इना पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ए बी सी डी। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल ए गिवन है हमें 2x+25 डिग्री, एंड एंगल बी हमें गिवन है कितना, 3x-5 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मेजर ईच ऑफ द पैल एंगल। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करना है देखो, ध्यान दो। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो हम जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री। क्यों? ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल, या इनको लिख लो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 2x+25 + b कितना है, 3x-5 = कितना, 180 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दी और बी की वैल्यू पुट कर दी। अब 2x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा, 5x। 25 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 = में क्या, 180 डिग्री। 20 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 160 डिग्री। 20 उधर जाकर माइनस हो गया, 5 से डिवाइड करा दो तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू। कितनी, 5 3 = 15 और 5 2 = 10। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो निकल कर आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद एंगल ए बी सी डी ये सब निकाल कर देने हैं तो ये निकाल दो। तो एंगल ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, एंगल ए कितना था, 2x+25 ऐसे था, तो 2x, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 32 आई है, +25। ठीक है, आप 32 × 2 करा लो तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 64+25। ठीक है बच्चों, और इन दोनों को ऐड करा लो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 89। तो ये हमारे पास एंगल ए आया बच्चों। अगर एंगल ए हमारा 89 आया है तो आपको पता है एंगल सी भी 89 रहा होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो एंगल सी और एंगल ए ये आपस में इक्वल होंगे तो दोनों ही एंगल कितने आएंगे, 89 डिग्री के। ये हो गया एक काम। दूसरा, एंगल बी की वैल्यू निकालो। एंगल बी इज इक्वल्स टू 3x-5, 3 × x की वैल्यू 32-5। अब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा, 96-5 कितना बनेगा, 91। ये 91 डिग्री हमारे पास किसकी वैल्यू आई, एंगल बी की वैल्यू। अगर एंगल बी 91 है तो एंगल डी भी 91 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, तो वो भी कितना आ जाएगा, 91 डिग्री। तो इस तरह से आप ए बी सी डी सारे एंगल्स बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इन दोनों का सम 180 डिग्री रखा, वहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आई, वो एक्स की वैल्यू जब यहाँ पुट कर दी और यहाँ पुट कर दी तो ए और बी एंगल आ गए। अब ए और बी एंगल बताएं तो ऑफकोर्स ए के इक्वल सी होगा और बी के इक्वल डी होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 4/5 द ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन आ गया। कैसे करेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी में सपोज करो एक एंगल है एक्स, कुछ भी एक एंगल क्या मान लो, एक्स। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये एक्स है तो इसका जो एडजेसेंट एंगल है वो कितना है, 4/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल। तो ये वाला जो एंगल है ये 4/5 होगा किसका, इस वाले एंगल का। ठीक है, फिर से, अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसने कहा जो एंगल है वो अपने एडजेसेंट एंगल का कितने टाइम है, 4/5 टाइम। ठीक है, अब आप जानते हो कि एंगल ए और एंगल बी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए कितना, एक्स, एंगल बी कितना, 4/5x = कितना, 180 डिग्री।
अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसके नीचे अपॉन में वन मान लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना बनेगा 5x और 4x, ऐसे ये कितना आ जाएगा 9x, और ये 5 कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 9 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू 180 इंटू 5 अपॉन में क्या 9 डिवाइड में आएगा, 9 से इसको कैंसिल कर दो और फिर 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है ये एक्चुअल में एंगल A निकल कर आ गया हमारा, एंगल A किसके इक्वल था x के इक्वल, तो ये निकल कर आ गया कितना 100 डिग्री। अच्छा, जो एंगल B है हमारा वो 4/5 टाइम है किसका, x का, तो 4/5 ऑफ x, x की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर एंगल A जितना होगा उतना ही एंगल C होगा, तो अगर एंगल A 100 आया था तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंगल C भी कितना रहा होगा 100 डिग्री, और अगर एंगल B की वैल्यू 80 डिग्री आई है तो एंगल D की वैल्यू भी 80 डिग्री रही होगी, तो एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल रहा होगा और कितना आया होगा 80 डिग्री। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन चल रहा है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन में बोला था कि जो एक एंगल है वो अपने एडजेसेंट एंगल का 4/5 टाइम है, तो 4/5 अगर ये x है तो ये 4/5x होगा, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। फिर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a और b निकल जाएगा, a पता है तो c पता चल गया, b पता है तो d पता चल जाएगा, क्योंकि ये इक्वल होंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये एक आसान वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का मैंने माना कि ये वाला एंगल सबसे स्मॉलेस्ट रहा होगा, एंगल A, और इसका कुछ नाम रख दिया मैंने X। ठीक है, वो कह रहा है इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x, ऐसे मान लो आप, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x, हमने x मान लिया, स्मॉलेस्ट एंगल क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होगा, अनदर एंगल आप मान लो, तो वो एंगल हमारे पास कितना होगा, या एंगल, जैसे एंगल A को मैंने x नाम दे दिया, एंगल B के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोला हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमने x माना, स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से कितना है 30 डिग्री लेस है, ऐसा। या आप ऐसा मान लो x ना मानकर थोड़ा सा इसको a ही लिखा रहने दो, तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, आप इसको a ही लिखा रहने दो। आप मान लो हमने माना कि एंगल A क्या रहा होगा, स्मॉलेस्ट एंगल, एंगल A, तो एंगल B के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, तो एंगल B के बारे में उसने कहा है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो उसके जो ये दूसरा वाला जो एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस का कितना होगा, 30 डिग्री लेस है उससे, तो यहाँ पर x की जगह एंगल A लिख लो, तो दूसरा वाला जो एंगल B है वो क्या है, एंगल A के ट्वाइस से 30 लेस है। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई। अब इसको सॉल्व करना है, आप जानते हो कि एंगल ए और एंगल बी इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एंगल ए तो ऐसे ही लिखा रहे हैं, तो एंगल बी कितना है, एंगल ए के ट्वाइस से 30 लेस इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री, ऐसा। ठीक है, अब फिर से
एंगल ए हमने स्मॉलेस्ट एंगल माना है, तो हमने एंगल, हमें कैसे पता चला कि एंगल बी के बारे में बात हो रही है कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस 30 होना चाहिए। तो देखो, अगर एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए आपने स्मॉलेस्ट माना, तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ये भी स्मॉलेस्ट होगा। तो या तो फिर जो बात करोगे या तो बी की करोगे या डी की करोगे, दोनों में से किसी की बात कर लो, ये दोनों आपस में इक्वली होंगे। तो मैंने हम माना कि अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ये वाला बड़ा रहा होगा, या बड़ा रहा होगा, या जो भी रिलेशन रहा होगा वो इसके साथ रहा होगा। क्या रहा होगा कि स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस से कितना लेस, 30 लेस। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो 2a और a मिलकर कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एंगल ए, 30 डिग्री उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो कितना बन जाएगा, 210। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करा दो, तो एंगल ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 210 अपॉन में 3, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू अगर 70 डिग्री आ रही है तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 70 डिग्री, इतना। ठीक, अब एंगल बी निकालना है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी एंगल ए के ट्वाइस से कितना कम है, 30 डिग्री कम है। एंगल ए के ट्वाइस से क्या आगे बनता क्वेश्चन में, 30 डिग्री कम है। तो 2 इंटू एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री, इसमें से 30 माइनस करा दो, तो ये 70 इंटू 2 140, 140 में 30 माइनस करा दो, तो कितना बन जाएगा, 110। अगर एंगल बी 110 है तो एंगल डी भी 110 होगा। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू कितना, 110। इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या था क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये वाला एंगल यहां पर जो भी स्मॉलेस्ट एंगल है उसके ट्वाइस से 30 कम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये मान लो स्मॉलेस्ट रहा होगा। अगर आप इसको स्मॉलेस्ट मानते तो फिर इसको कहते कि इसके ट्वाइस से 30 कम है। अगर मैंने इसको स्मॉलेस्ट माना तो आप कहोगे कि ये वाला इसके ट्वाइस से कितना कम है, 30 कम है। फिर एंगल ए और बी का सम कितना होना चाहिए, 180। एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ए माइनस 30। सॉल्व करके ए की वैल्यू आएगी, फिर वो ए की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ए पता है, बी पता है, तो ऑफकोर्स फिर सी और डी अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो वो भी निकल कर आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका एक आसान वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी या पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी या पैरेललोग्राम इन विच ए बी 9.5, ए बी कितना है, 9.5 सेंटीमीटर, एंड इट्स पैरामीटर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे, अगर ये 9.5 है तो ये भी 9.5 सेंटीमीटर होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर बी सी हमें पता नहीं है, ठीक है, बी सी हम पता कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, पैरामीटर अगर हमें गिवन है पहले से, पैरामीटर अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए बी प्लस बी सी साइड प्लस सी डी प्लस ए डी, ऐसी तो निकालोगे, पैरामीटर चारों साइड का सम के इक्वल होगा। अब पैरामीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले से, कितना गिवन है बच्चों, पैरामीटर है 30 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर यहाँ लिख दिया मैंने 30 सेंटीमीटर, ठीक है 30, ओके, इक्वल्स टू ए बी कितना 9.5, बी सी पता नहीं, सी डी 9.5 और ए डी, ए डी और सी डी, ए डी और बी सी आपस में इक्वल होंगे, तो ए डी की जगह मैं बी सी लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये सब क्वांटिटी हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, बी सी का आंसर। ठीक है, तो 9.5 और 9.5 ये मिलकर कितना हो जाएगा, 19, और बी सी मिलकर कितना हो जाएगा, 2 BC, और इक्वल टू में कितना, 30, ये आ जाएगा बच्चों, ये ठीक है। अच्छा, अब 19 इधर लाकर माइनस करा दो, तो 19 इधर लाकर जब माइनस कराओगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 11, और इधर कितना चल रहा है, ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 से डिवाइड करा दो 11 को, तो कितना बन जाएगा, 5.5, ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, बी सी का आंसर। अगर हमारा बी सी 5.5 सेंटीमीटर है तो हमारा ए डी भी 5.5 सेंटीमीटर रहा होगा,
ए डी इक्वल रहा होगा बी सी के, वो भी कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये साइड तो हमें पहले से ये पता थी, ये अगर दे रखी है तो ये इसके इक्वल होगा, और ये हमने निकाल लिया 5.5, तो ये भी 5.5 होगा। तो ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे किया, सबसे पहले तो इन चारों साइड का जो सम है वो पैरीमीटर के इक्वल होगा, पैरीमीटर 30 है, ए बी 9.5 है, बी सी निकालना है, सी डी क्योंकि ये 9.5 है तो ये 9.5 होगा सी डी भी, और ए डी और बी सी आपस में इक्वल है तो ए डी को थोड़ी देर के लिए बी सी लिख लो, फिर जब सॉल्व करोगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी 5.5 है तो डी ए भी 5.5 होगा। ये एक आसान क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर गिवन है, वो फिगर बना रहा हूं। ए बी सी, और यहां पर इस तरह से डायगोनल बना हुआ है, ऐसे, और यहां पर कुछ एंगल गिवन है वाई डिग्री एंड एक्स डिग्री, और यहां पर गिवन है 110 डिग्री। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज रॉम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए बी सी डी हमें गिवन है ये क्या है, एक रॉम्बस है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल आसान होगा करना। कैसे, अगर ए बी सी डी एक रॉम्बस है तो इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, और अगर चारों साइड इक्वल होंगी तो आपको पता है कि ए बी अगर बी सी के इक्वल होगा तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो फिर मैं कहूँगा इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। हाँ या ना, तो अब फिर इस वाले ट्रायंगल में हम क्या लगा लें, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ट्रायंगल कौन सा लेकर चल रहे हो आप, ए बी सी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे x प्लस 110, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। 110 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो कितना बचेगा, 70, और इधर x और x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x, 2 से डिवाइड करा दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पर क्योंकि ये रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल है इसकी, और अगर चारों साइड इक्वल है तो फिर हम कहेंगे कि क्योंकि ये दोनों इस वाले ट्रायंगल में क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद बच्चों आपको पता है कि ये अगर ये दोनों साइड भी इक्वल है तो ये y है, तो आपको पता है कि ये भी y होगा, है ना। अब आप जानते हो कि इस एंगल, एंगल A और एंगल B का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री लिख लो। कहाँ लिखोगे, नेक्स्ट बोर्ड पर लिख लो, एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए जो है हमारे पास वो कितना है, एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स और वाई मिलाकर ही तो एंगल ए बन रहा है, तो एक्स प्लस वाई, और एंगल बी कितना है, 110। तो एंगल ए की जगह तो हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई, और एंगल बी कितना है, 110 इक्वल टू में क्या, 180 डिग्री। ठीक है, 110 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, और इधर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। x की वैल्यू हम निकाल चुके थे कितनी, 35 डिग्री, तो y 35 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो y भी कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, ऐसे, या ये बात आप डायरेक्टली भी कह सकते थे, कैसे, कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x ही होगा, मतलब x और y आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो अगर ये 35 डिग्री आया है तो y भी कितना रहा होगा, 35 डिग्री। ये आप चाहो तो डायरेक्टली भी कह सकते हो ये वाली बात। ठीक है, तो दोनों पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर लो, या तो को इंटीरियर वाली से कर लो तब y की वैल्यू दे दो, या आप डायरेक्टली कह दो कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अगर x 35 तो y भी 35, इस तरह से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 10। ये आसान है। इस रोम्बस का हमें डायगोनल के बारे में बताया हुआ है बच्चों, 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। ये वाला हमने माना 24 सेंटीमीटर है, और ये वाला हमने माना
18 सेंटीमीटर है। अब जो रोम्बस होते हैं आपको पता है उनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इस बात का क्या मतलब है कि अगर हमारा एसी ये कम एसी अगर हमारा 24 है तो इसका इतना पार्ट और इतना पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये टोटल 24 है तो इतना पार्ट 12 होगा और इतना पार्ट भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे अगर ये पूरा 18 है तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, तो मतलब 18 है अगर ये पूरा तो ये 9 होगा और ये भी 9 होगा, ऐसे तो ये 9 सेंटीमीटर होगा इस तरह से, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के तैयार हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल या 90 डिग्री बन रहा है। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वाली साइड पता कर लो डीसी। जितनी ये साइड होगी उतनी ही सारी साइड होंगी क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, है ना। तो ट्राइंगल ले रहे हैं हम कौन सा सी ओ डी और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो ट्राइंगल सी ओ डी में डी सी हाइपोटेनस कौन होगा, क्योंकि यह 90 बन रहा है तो डी सी हमारा हाइपोटेनस होगा ना, या सी डी। तो सी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ऐसे 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। इधर क्या चल रहा है, सी डी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ गया होगा, अंडर रूट, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को ऐड कर लो, 1 और 4 ये 5 बन गया और इधर हमारे पास कितना बन जाएगा, 225, इसका क्या अंडर रूट, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 15 क्या सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हमारा सी डी 15 सेंटीमीटर आया, तो ऑफकोर्स ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, सारी साइड क्या हो जाएंगी 15 सेंटीमीटर की। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। कैसे किया, ये होल क्वांटिटी हमारे पास ये वाला जो डायगोनल है ये 24 सेंटीमीटर का है और ये वाला जो डायगोनल है पूरा ये कितना है, 18 सेंटीमीटर का है, होल पूरा कंप्लीट। तो हम कहेंगे कि ये क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा और ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। तो अगर होल 24 है तो यानी कि इतना पार्ट कितना होगा 12, अगर होल 18 है तो इतना पार्ट कितना होगा 9। फिर इस ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमें हाइपोटेनस यानी कि इस साइड की वैल्यू मिल जाएगी, अगर ये साइड 15 है तो ऑल साइड 15 होगी। ये आसान क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया इसी की तरह। कैसे, देखो हम यहां पर बनाते हैं एक फिगर, एक रोम्बस बनाते हैं ए बी सी डी, ये हमने एक रोम्बस बनाया। इस रोम्बस में ये हमने डायगोनल बना लिए, डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें इस रोम्बस की साइड गिवन है कितनी है, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये साइड तो हमें बच्चों गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसका कोई एक डायगोनल गिवन है, कितना गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो हम मान लो कि ये वाला जो डायगोनल है ये 16 सेंटीमीटर रहा होगा, तो अगर ये टोटल 16 है तो इतना कितना रहा होगा साइड, ओसी वाला 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अदर डायगोनल का लेंथ हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इतनी साइड पता चल जाएगी हमें, जब ये साइड पता चल जाएगी उसका हम ट्वाइस कर देंगे तो हमें पूरी ये लेंथ डायगोनल की पता चल जाएगी। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो हम ट्रायंगल कौन सा लेकर चल रहे हैं, सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी में हाइपोटेनस यानी कि डी सी का स्क्वायर या सी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ऐसा ये, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री बनना है ना तो ये हाइपोटेनस होगा, तो सी डी का स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब सी डी हमारे पास है कितना 10, तो सी डी का स्क्वायर लिख दो और
OD हमें निकालना है, OD का स्क्वायर प्लस OC कितना है 8, तो यहाँ पर लिख लो 8 का स्क्वायर। अब इधर कितना बनेगा 100, 8 माइनस कर दो इधर लाकर, 8 का स्क्वायर कितना 64 इधर लाकर माइनस कर दो, और इधर AD का स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 36 OD, और यहाँ से अंडर रूट 36 मतलब 6, तो OD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब ये OD निकला है, अभी OD का हम डबल कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, BD डायगोनल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो BD डायगोनल निकाल लो, BD डायगोनल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ OD, BD डायगोनल जो है वो ट्वाइस ऑफ OD के इक्वल होगा, और OD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6, तो जो BD आएगा वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो जो अदर डायगोनल BD है वो हमारे पास कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई बच्चों, इसमें ये टोटल हमारे पास कितना था 16, तो इसका हाफ इतना 8 होगा, और साइड 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इतना निकल जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो डी भी आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना बिल्कुल आसान होता है, आप जानते हो एरिया का फॉर्मूला होता है रोम्बस का 1/2 डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ये अब 1/2 डायगनल 1 की वैल्यू हमें 16 गिवन है, और डायगनल 2 ये हमने निकाल लिया था अभी 12 है ना, 2 से इसको कैंसिल कर दो कितने टाइम 8 टाइम, ठीक है इस तरह से आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12। कैसे किया ये तो समझ आ गया, ये तो बहुत आसानी समझ आ गया होगा कैसे किया, पहले तो ये इसका डबल करके तो आपको पता ही है हमने डायगनल निकाल लिया था, और ये वाला डायगनल 16 हमें गिवन था, ये 12 हमारे पास आ गया था, तो बस डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 में फॉर्मूला लगाओ एरिया का, आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो केवल कि अगर ये एंगल ये डायगनल अगर आपस में इक्वल है, और ये क्योंकि साइड भी आपस में इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये डायगनल इक्वल है तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, मतलब कि इस तरह से जैसे रेक्टेंगल में हमारे पास डायगनल्स इक्वल होते हैं, जैसे ए सी इक्वल्स टू बी डी होता है ना, तो अगर ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अगर ए सी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो अगर ए सी और बी डी अगर आपस में इक्वल रहे होंगे क्योंकि रेक्टेंगल है, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ए सी का हाफ और बी डी का हाफ आपस में इक्वल रहे होंगे। ए सी का हाफ जो है, ए सी के हाफ को हम क्या कह सकते हैं, ओ ए, क्या कह सकते हैं, ओ ए, और बी डी के हाफ को हम क्या कह सकते हैं, ओ बी, ऐसे। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप बना सकते हो रेक्टेंगल के लिए कि ये जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होंगी, ये और ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर ओ ए और ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये 35 है तो ये कितना होना चाहिए, फिर 35 डिग्री, और अगर ये वाई है तो ये वाई होना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये तो पता ही है रेक्टेंगल है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से अगर मैं 35 माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स एक काम हो जाएगा, और दूसरा इस ट्रायंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो वाई निकल कर आ जाएगा, ये किया जा सकता है। चलो यही करते हैं हम, एंगल बी किसके इक्वल है, 35 प्लस एक्स के इक्वल, बट एंगल बी तो 90 डिग्री है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो 35 90 में से लाकर माइनस करा दो, 90 में से माइनस कर दो क्या 35, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमें निकालना है y, तो इस ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो कौन से ट्रायंगल में, ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में, तो कैसे लगाओगे, y प्लस 35 प्लस 35 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। अब ये 35 और 35 कितना बन जाएगा 70 डिग्री,
इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। 70 डिग्री उधर ले जाकर क्या कर दोगे, माइनस करा दोगे। तो वाई का आंसर कितना बनेगा 110 डिग्री। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस, ये निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो हमारे पास डी से, मैं इसको भी ज्वाइन कर रहा हूँ, ये डायगनल है बी डी, ठीक है, ये डायगनल है बी डी। अब डी से बी को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास बच्चों दो ट्रायंगल आ गए। एक तो हमारे पास ट्रायंगल आ गया ए एम डी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ए एम डी, ये वाला ट्रायंगल। और दूसरा हमारे पास जो ट्रायंगल आ गया वो आ गया बी एम डी, ये वाला ट्रायंगल बी एम डी। इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये बात तो पक्का है। दूसरी बात ये कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन था कि जो डी से परपेंडिकुलर गिराया गया वो ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए एम और बी एम आपस में कैसे होंगे, इक्वल रहे होंगे, ठीक है। और ये दोनों में क्या है, डी एम कॉमन है। तो आप पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लो, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखो ट्राइंगल का नाम क्या क्या ले रहे हैं हम, एक तो ए डी एम, ए डी एम एंड, दूसरा जो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं हम कौन सा है, बी डी एम, बी डी एम। इन दोनों ट्राइंगल में ए एम इक्वल है बी एम के, ए एम इक्वल है किसके, बी एम के, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और ये एंगल वन और एंगल टू ये क्या है, ईच 90 डिग्री, यहाँ पर लिख लो ईच 90 डिग्री। और DM दोनों में क्या है, कॉमन, DM यहाँ पर कॉमन लिख लो, ठीक है, DM क्या हो गया, कॉमन। तो हम कौन सा रूल यूज कर लिया, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT क्या क्या इक्वल आ जाएगा, AD किसके इक्वल आ जाएगा, DB के। AD और DB आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां से पहले तो मुझे यहां पर लिखना होगा कि ट्रायंगल ए डी एम यहां से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी डी एम के, बी डी एम के, कौन से रूल से, तो आंसर है ये रूल लगा है, साइड एंगल साइड रूल। कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड रूल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए तो मैं कह सकता हूं कि DA और DB आपस में कैसे होंगे, इक्वल, DA इक्वल होगा किसके, DB के, बाय CPCT। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या कि जो ABCD है वो तो एक रोम्बस है, तो DA जो है हमारा किसके इक्वल रहा होगा, AB के, DA किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल रहा होगा। बट DA हमने किसके इक्वल प्रूफ कर लिया, DB के इक्वल प्रूफ कर लिया। तो यानी DA, AB और DB ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। अगर ये तीनों आपस में इक्वल साइड हैं, तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बताइए यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, तो आंसर है 60 डिग्री। कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर यही बात आपको लिखना होगा कि DA हमने DB के इक्वल तो प्रूफ कर लिया है, DA हमने DB के इक्वल तो प्रूफ कर लिया, बट ऑल्सो DA किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल, ठीक है। तो ये तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DAB क्या रहा होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल A कितना रहा होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। एंगल A कितना रहा होगा बच्चों, 60 डिग्री रहा होगा। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ओके। नाउ क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो वो आप यहाँ पर लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल ए हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री, प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। 60 उधर ले जाकर माइनस करा दो तो एंगल बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 डिग्री।
अब आप जानते हो कि अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल सी बी कितना रहा होगा 60 डिग्री, ये वाली बात आप यहाँ पर लिख देना फिर, देयरफॉर एंगल सी इज ऑल्सो 60 डिग्री। और एंगल बी अगर 120 डिग्री आया है तो एंगल डी बी कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ये क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख लेना। तो इस तरह से कर सकते हो। तो देखो फिर से कैसे किया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो आसान क्वेश्चन है, कैसे किया गया एक बार समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान है। कैसे किया, सबसे पहले तो ए बी सी डी ये क्या है, एक रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है तो हम ये कह सकते हैं, और साथ में हमें गिवन है कि डी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है ए बी पर, वो उसे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा मतलब ए एम और बी एम आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, डी से बी को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया डी ए बी। इस डी ए बी ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे। कैसे कर पाएंगे कि जो डी ए है वो किसके इक्वल होगा, डी बी के इक्वल, अगर हम प्रूफ कर पाएंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कैसे किया, ये इक्वल है इसके, ये ईच 90 डिग्री और ये क्या है कॉमन, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी हम कह पाए कि डी ए और ये डी बी आपस में कैसे हैं इक्वल, बट डी ए ऑल्सो इक्वल था किसके, ए बी के, बट डी ए डी बी के इक्वल भी प्रूफ हो गया। तो यानी ये तीनों साइड आपस में कैसी हो गई, इक्वल। तो अगर ये तीनों साइड इक्वल है यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री है और क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये 60 है, तो इसका और इसका सम 180 होगा, तो वहाँ से सॉल्व करके एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री। अब एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल सी होगा, और जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी रहा होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यहां बना रहा हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। और इस तरह से फिगर गिवन है, डी से बी को ज्वाइन किया गया है और सी से कुछ एक्स यहां पर इस तरह से गिवन है, और ये x डिग्री गिवन है, और ये क्वांटिटी 80 डिग्री गिवन है, और यहाँ पर पॉइंट O गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बच्चों हमें निकाल कर देनी है। तो ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमें पता है क्या है 90 डिग्री है ना, और इस ये पूरा भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब जो डी बी बोला हुआ है उसने क्वेश्चन में, डी बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, अ लाइन सेगमेंट सी एक्स कट ए बी एट एक्स एंड द डायगनल बी डी एट ओ सच दैट सी ओ डी इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड ओ एक्स ए एक्स डिग्री, ठीक है। अब देखो स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं वो एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, कि जो स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं वो इस एंगल को क्या कर देते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो या आप चाहो तो इसको बड़े आसानी से प्रूफ भी कर सकते हो कि देखो अगर ये वाला ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं और ये वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, तो आंसर हाँ होंगे, कि ये देखो इस ट्रायंगल में ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, और ये क्या होगा कॉमन, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होते होंगे, कॉन्ग्रुएंट होते होंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते होंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता होगा, तो ये 90 डिग्री जो पूरा है ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता होगा, मतलब इतना एंगल जो है वो हमारा कितना आ जाता होगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि एंगल ओ बी एक्स, ओ बी एक्स ये कितना है 45 डिग्री। क्यों है 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं वो ईच एंगल को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या मैं कहूँ एंगल को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, एंगल बी को भी करते होंगे और एंगल डी को भी करते होंगे। और ये हमने एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में एनसीईआरटी की बुक में भी एक क्वेश्चन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर ये एक स्क्वायर है तो प्रूव करो कि ये एंगल बी और एंगल डी को एज वेल एज बाइसेक्ट करता होगा, ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में। तो ओ बी एक्स कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है, अगर ये पूरा 90 है तो ये 45 डिग्री होगा, और इतना एंगल कितना है बच्चों 80 डिग्री, कितना है
80 डिग्री। तो ये एक्स एंगल कितना होगा, तो पहले तो आप ये वाला एंगल भी लिख ही दो, बी ओ एक्स, एंगल बी ओ एक्स ये कितना है 80 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये जो एंगल एक्स है ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, तो ये सामने वाले जो दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होगा। तो एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा 80 प्लस 45 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें 80 और 45 ऐड करा लो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो इसको करना बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसको करना बिल्कुल आसान कैसे है कि ये ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है और डी बी क्या है डायगनल, जो कि एंगल बी को क्या करता होगा बाइसेक्ट। तो अगर ये 90 है तो इतना एंगल कितना होगा 45, अगर ये 80 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 80 डिग्री, है ना। ये कैसे लिखा हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फिर x क्या है एक एक्सटीरियर एंगल, तो ये सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी 125। ये हो जाएगा इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ रोम्बस ए बी सी डी शो दैट ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज एंगल डी। ये एक रोम्बस की बात करनी है हमें, रोम्बस ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है एक रोम्बस, और हमें दिखाना है कि जो इसका डायगनल है बी डी वाला जो डायगनल है वो बी और डी को बाइसेक्ट करता है, और ए सी वाला जो डायगनल है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से दिखाना है। तो देखो कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है। अगर ये एक रोम्बस है ए बी सी डी, तो आपको पता है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर कुछ एंगल मान लो, जैसे 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 मान लो, यहाँ पर 4 मान लो, ऐसे। ठीक है, अब क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल हो सकती हैं, तो होती हैं, तो मैं कहता हूँ कि बी सी किसके इक्वल रहा होगा डी सी के, बी सी किसके इक्वल रहा होगा डी सी के। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है एक रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है बच्चों, ये एक रोम्बस है। अब बी सी और डी सी आपस में इक्वल रहे होंगे, अगर बी सी और डी सी आपस में इक्वल हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है बच्चों, ऐसे। और बट एंगल 2 और 3 इक्वल है, बट एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 और 4 आपस में कैसे हैं इक्वल, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऐसे हैं। तो अब आप ध्यान से इसको देख लो, एंगल 2 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 4 के भी इक्वल है, तो एंगल 3 और 4 आपस में कैसे रहे होंगे इक्वल, देयरफॉर एंगल 3 और 4 आपस में कैसे रहे होंगे इक्वल। अगर ये इक्वल हैं, इसका मतलब डी बी वाली लाइन एंगल डी को क्या कर रही है बाइसेक्ट, देयरफॉर डी बी क्या कर रहा है बाइसेक्ट किसको, एंगल डी को, इस तरह से। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल आ गए। तो कैसे आए, एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि रोम्बस की साइड है, तो एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, फिर एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 2 3 के भी इक्वल है और एंगल 2 4 के भी इक्वल है, तो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको करोगे। और एक काम और भी कर सकते हो आप, क्या कि बी सी इक्वल है डी सी के, है ना, बी सी और डी सी आपस में इक्वल है, तो हमने कहा कि एंगल 2 इक्वल है किसके एंगल 3 के, ये वाला रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। बट हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल 3 बट किसके इक्वल है एंगल 1 के, है ना, एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 1 के, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर क्या लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ये वाला रीजन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी क्या लिखा, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और एंगल 3 और 1 आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अब आप देखो एंगल 3 2 के भी इक्वल है और एंगल 3 1 के भी इक्वल है ना, तो 1 और 2 आपस में कैसे होंगे इक्वल, एंगल 3 1 के भी इक्वल है और एंगल 3 2 के भी इक्वल है, तो 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे ऐसे, ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर ये इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे बच्चों कि ये जो BD वाली लाइन है ये इस एंगल B को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है या हम क्या बाइसेक्ट कर रही है। देयरफॉर BD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट किसको, एंगल B को। तो आप देख रहे हो कि जो BD वाली लाइन है ये D को भी बाइसेक्ट कर रही है और एज वेल एज एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रही है। इस तरह से आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और यही सेम काम जो मैंने इधर किया है वही सेम काम आप AC वाला डायगोनल लेकर कर सकते हो, जो कि मैंने आपको NCERT की बुक में ये सेम क्वेश्चन है वहां पर पूरा करके दिखाया भी हुआ है, ठीक। इन अ पैरेललोग्राम ABCD पॉइंट M एंड N हैव टेकन ऑन अपोजिट साइड AB एंड CD सच दैट AM इक्वल्स टू CN। यहां पर एक पैरेललोग्राम है, यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। सबसे पहले तो फिगर भी वहां पर आपको गिवन है, ABCD ऐसे, और A से C को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, और N से M को ज्वाइन किया हुआ है इस तरह से ऐसे, N और M, और हमें गिवन है कि AM किसके इक्वल है, CN के, और ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। शो दैट AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर, AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर। AC और MN बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हमें ये शो करना होगा कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है O, मतलब AO और OC इक्वल हैं और ON और OM इक्वल हैं, ये हमें शो करना होगा, ठीक है। और इनको शो करने के लिए बच्चों हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत आसान होगा। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 17 में, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ट्रायंगल AMO ले लो, AMO, ये ट्रायंगल AMO एंड दूसरा वाला ट्रायंगल का क्या नाम रखोगे, दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम रख लो बच्चों CNO, है ना, क्या नाम रख लो, CNO। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं ना, इनका नाम क्या रख लो, CNO, AMO और CNO। ये इसमें देखो AM इक्वल है CN के, ये तो हमें पहले से ही गिवन है, AM इक्वल्स टू CN, ये हमें क्या है, गिवन, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOM या एंगल AOM, ठीक है ऐसे लिखते हैं, एंगल AOM और इधर एंगल CON, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ऐसे लिख लो। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, एंगल OAM, एंगल OAM, और इस वाले एंगल का क्या नाम है, ओ सी एन, एंगल ओ सी एन, है ना, और इसको हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। फिर से ये साइड इक्वल है इसके, ये हमें गिवन है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से रूल से हुए, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं ट्राइंगल ए एम ओ क्या प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्राइंगल सी एन ओ के, कौन से रूल से, एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड रूल लग गया, एंगल एंगल साइड। तो बाय सीपीसीटी अब आप कह सकते हो कि ओ एन किसके इक्वल होगा, ओ एम के, है ना, ये एम ओ और एन ओ आपस में कैसे होंगे, इक्वल। और क्या कह सकते हो, ये जो AO है और ये जो CO है ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ये हमने कैसे कहा, बाय CPCT। अब अगर AO और CO इक्वल है और ON और OM इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि AC और NM एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर AC एंड NM एंड NM बाइसेक्ट ईच अदर, bisect each other, ठीक है, इस तरह से लिख दोगे।
तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे? पहले तो ये फिगर गिवन है और इस फिगर में बच्चों क्या बात है खास कि बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है कि इसमें हमें ये दिखाना था कि ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि OM और ON इक्वल हैं और OA और OC इक्वल हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हर हाल में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट प्रूफ करने हैं और इनको कॉन्वेंट प्रूफ करने के लिए सब कुछ पता ही है पहले से, ये साइड इक्वल है इसके, ये वर्टिकली अपोजिट और ये अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये कॉन्वेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी आप इनको लिखोगे, फिर कह दोगे कि AC बाइसेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद बच्चों ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है इस तरह से, वो फिगर बना रहा हूं मैं, ए बी सी डी, और यहाँ सी से इस तरह से एक लाइन बनाई गई है ऐसे, और ए से भी एक लाइन बनाई गई है इस तरह से ऐसे, और इस पॉइंट का नाम रखा गया है पी। ओके, क्या बोला है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए डी एंड बी सी सच दैट ए पी जो है वो 1/3 पार्ट है किसका, ए डी का। ए पी क्या है, 1/3 पार्ट ऑफ ए डी। एंड ऑल्सो सी क्यू भी जो है, सी क्यू जो बच्चों हमें गिवन है वो भी क्या है, 1/3 पार्ट, सी क्यू इज ऑल्सो 1/3 पार्ट ऑफ बी सी। ठीक है, ऐसे गिवन है। तो प्रूव दैट ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम, ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है ना बच्चों। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो डी ए या मैं कहूँ ए डी और बी सी ये आपस में कैसे होंगे इक्वल, यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है इसलिए ए डी और बी सी आपस में कैसे होंगे इक्वल, ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब अगर ए डी और बी सी अगर आपस में इक्वल हैं तो इनके 1/3 पार्ट भी आपस में कैसे होंगे इक्वल, मैंने दोनों साइड क्या किया 1/3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ए डी का 1/3 पार्ट को क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है क्या, ए पी, और बी सी का 1/3 पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से कि जो ए पी है और ये जो सी क्यू है ये आपस में कैसे हैं इक्वल, कैसे हैं आपस में इक्वल हैं। तो ए पी और सी क्यू आपस में इक्वल आ गए, ठीक है ये बात समझ आ गई। बट ये ऑल्सो पैरेलल भी हैं, क्यों, क्योंकि ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, क्योंकि ए बी सी डी क्या था, एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ए डी पैरेलल रहा होगा किसके, बी सी के। अगर ए डी पैरेलल है बी सी के तो हम कह सकते हैं कि ए पी पैरेलल भी रहा होगा किसके, सी क्यू के, क्योंकि ए डी का ही पार्ट है ये ए पी और बी सी का ही पार्ट है ये सी क्यू। तो अगर ए डी और बी सी पैरेलल है तो ए पी और सी क्यू भी पैरेलल रहे होंगे, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए पी एंड सी क्यू भी क्या रहे होंगे, पैरेलल। अब आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो, ए पी सी क्यू के इक्वल भी है और ए पी सी क्यू के पैरेलल भी है। तो हमने क्या थ्योरम पढ़ी है, हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर ए पी और सी क्यू इक्वल भी हैं, या मैं कहूँ कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों तो हम क्या कहते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम, ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, इस तरह से फिर से ये ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, तो ए डी और बी सी आपस में इक्वल रहे होंगे। मैंने अपनी तरफ से दोनों का क्या लिखा, 1/3। ठीक है, तो ए डी का 1/3 क्या होगा, ए पी दे रखा है, और बी सी का 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू, ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, फिर हमने कहा कि क्योंकि ए डी बी सी के पैरेलल है तो ए पी और सी क्यू भी पैरेलल रहा होगा। अब ए पी सी क्यू के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसका मतलब ए क्यू सी पी क्या रहा होगा, एक पैरेलल होगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं एक पैरेललोग्राम,
ए बी सी डी एंड यहाँ पर एफ, यहाँ पर ई, और ए से सी को ज्वाइन कर दो एंड डी से बी को ज्वाइन करना है, ठीक है ये, और ये सब एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर। ओके नाउ प्रूफ करना है कि ओ ई और ओ एफ आपस में इक्वल होंगे, ओ ई और ओ एफ ये आपस में इक्वल दिखाने हैं। और कुछ हमें दे रखा है? नहीं, और कुछ नहीं दे रखा है। ओ ई और ओ एफ को इक्वल दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं ओ ई और ओ एफ इक्वल? पैरेललोग्राम के जो डायगनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तो बात पक्की है कि ए ओ और ओ सी इक्वल होंगे, ठीक है, एक बात तो हम ये कह सकते हैं। और इसके अलावा और हमारे पास क्या हो सकता है? अगर हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्गेंट प्रूफ कर लें, तो ये वाला दोनों ट्राइंगल, इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। थोड़ा सा सीधी लाइन बना लेना, है ना, यहाँ पर चलो मैं बना देता हूँ ये लाइन ऐसे ऐसे बनाना, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक तो ये बन जाएगा हमारा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम ले लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ट्राइंगल लेकर चल रहा हूँ बच्चों? एक तो लेकर चल रहा हूँ ए ओ ई, एंड दूसरा ट्राइंगल मैं लेकर चल रहा हूँ कौन सा, सी ओ एफ। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आप कहोगे कि ए ओ और ओ सी आपस में इक्वल होंगे, ए ओ और सी ओ ये आपस में कैसे हैं इक्वल, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम के डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एक बात तो ये बच्चों। दूसरी बात क्या करेंगे सर? दूसरा ये कि ये वाला एंगल और ये एंगल ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ ई इक्वल होगा किसके, एंगल सी ओ एफ के, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ओ ए ई इक्वल रहा होगा किसके, एंगल ओ सी एफ के, ठीक है, एंगल ओ सी एफ के, ये कैसे कहोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ट्राइंगल ए ओ ई क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्राइंगल सी ओ एफ के, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सीपीसीटी कह सकते हैं कि ओई और ओएफ ये आपस में कैसे रहे होंगे, इक्वल, ओई इक्वल्स टू ओएफ बाय सीपीसीटी। तो ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है, फिगर में सब कुछ तो हमें पता ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली कि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं तो ओडी और ओबी इक्वल होंगे और ओए और ओसी इक्वल होंगे। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए, ठीक है ना, आप चाहो तो ये दोनों ट्राइंगल भी ले सकते हो, वो एक ही बातें होंगी, ये वाला चाहो तो ये ले लो, इसमें ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये साइड इक्वल है इसके, और ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो बाय सीपीसीटी ये और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19।